हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल मिमी। मैं नरिंदर कौर सिंह आज आपको वूलन शूज बनाना बताने वाली हूँ। बहुत तेज ठंड, न्यू ईयर की ठंड में ये आपके बहुत काम आने वाला है शूज। दोस्तों चलिए बनाते हैं। ये तीन फंदे डाले हैं। पहला फंदा एज इट इज उतार लेंगे, सेकंड फंदे को एक के दो कर लेंगे उल्टे बना के, उल्टे से ही ये देखिए। और फोर्थ फंदा भी इस तरीके से, एक फंदा हमने यहाँ बढ़ा लिया, ट्रायंगल बनाएंगे। फिर से इस फंदे को उठा लेंगे एज इट इज़ स्टिच के लिए, ये पूरा बुन लेंगे। चार हो गए हैं। फिर से ये देखिए, मैं इसकी मेकिंग बताती हूँ, बहुत आसान है। अब यहाँ पर मैं फंदा बढ़ाऊँगी, एक के दो कर दिए हैं। ये देखिए पांच हो गए हमारे पास। पहला फंदा उठा लेंगे, पूरा उल्टा ही बुनना है। ये फंदा एज ए स्टिच उठा लेंगे, इसको एक के दो करेंगे। इस फंदे को भी एक के दो करेंगे। पहला फंदा उठा लिया, ये सिलाई पूरी उल्टी। ये फंदे को सीधा उठा लिया एज स्टिच, इसको दो कर लेंगे। इस फंदे को लास्ट जो फंदा बचा है, लास्ट से सेकंड लास्ट, इसको भी दो कर लिए। पहला फंदा एज बिना बुने ही उठाएंगे, ये सिलाई पूरी उल्टी बुनेंगे। उठा लेंगे, यहाँ एक के दो करेंगे। ये दो कर लिया, फिर लास्ट में फिर एक के दो करने हैं। यहाँ फिर एक के दो करेंगे। ये सिलाई पूरी उल्टी, इसमें बढ़ाएंगे नहीं फंदे। नेक्स्ट रो में दो फंदे बढ़ाएंगे। ये फर्स्ट फंदा है, फिर एज ए स्टिच बिना बुने ही उठाएंगे। अब इस सेकंड वाले फंदे को एक के दो करेंगे, उल्टा बुन के ही बढ़ाएंगे। फिर सेकंड लास्ट फंदा रहेगा, उसमें करेंगे। ये देखिए, ये सेकंड लास्ट है, इसमें फिर एक के दो कर लेंगे। बढ़ा लिया हमने यहाँ।
पूरा इसको लेंथ देना है, जितनी ये किस लेडीज़ के लिए बना रही हूँ, गर्ल्स को तो बहुत ही सुंदर लगेगा। ये गर्ल्स के लिए है, पिंक कलर ही गर्ल्स का है, तो मैं इसलिए गर्ल्स के लिए बना रही हूँ, मोजरी स्टाइल बना रही हूँ। अब जिस व्यक्ति के लिए बनाएंगे, जिसके लिए बनाएंगे उसके पैर की लेंथ नापेंगे, उससे दुगना। चलिए बनाते हैं। तो देखिए ये 20 इंच मेरा बन गया है, ये पूरा उल्टा ही उल्टा, हर सिलाई उल्टी, दोनों तरफ एक जैसा है दोस्तों। सिर्फ पीछे का जो हमको दिखाई दे रहा है वो ये है, तो ये हमारा रॉन्ग साइड है जहाँ पर हमने क्रीम कलर की ऊन को गुलाबी के साथ जोड़ा, ये है हमारा रॉन्ग साइड। इसको अब हम मेकिंग बताते हैं आपको शूज़ की। दोस्तों ये रॉन्ग साइड में इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे इसको, ये रॉन्ग साइड है हमारा, इसको फोल्ड करके इस जगह से सिलेंगे इस तरीके से दोस्तों। अभी करते हैं कंप्लीट, बहुत ही सुंदर बनने वाला है वूलन शूज। दोस्तों देखिए हमारा शू, ये एक साइड पिंक दूसरी साइड क्रीम कलर आएगा, ये बैक से आएगा, देखिए कितना खूबसूरत लगने वाला है। इसके ऊपर हम बटरफ्लाई लगाएंगे, ये गर्ल्स के लिए फीमेल्स के लिए है, बहुत ही खूबसूरत दो कलर का कॉम्बिनेशन है। ये बटरफ्लाई है, इसमें मैंने 10 फंदे डाले, उसको 12 बार, ये धारियां 12 है, ये वाली सीधा ही उल्टा ही उल्टा करा है, ये 12 लाइंस कंप्लीट होने के बाद हमने इसको कर दिया, ये रेक्टेंगल शेप दे दिया इसको। इसको जस्ट आधा करूंगी दोस्तों, ये देखिए इसका ये आधा है। अब इस आधे में इसको बटरफ्लाई का शेप देंगे ऐसे पिरो के, देखो सुई से मैं बस पिरो रही हूँ। सेंटर पार्ट ले लिया उसका, सेंटर पार्ट लेके हमने ये पिरोया इसको, ये देखिए दोस्तों हमने ये पिरोया इसको, बहुत ही सुंदर बटरफ्लाई तैयार है हमारी। अभी थोड़ा घुमा देंगे, टाइट कर देंगे थोड़ा, ताकि सुंदरता आ जाए उसमें। और रॉन्ग साइड में जाके वो थोड़ा सा, और ये रॉन्ग साइड है, ये राइट साइड है इसका, फंदों से पता चलता है। वैसे ये उल्टा सीधा एक समान है, क्योंकि मैंने हर सिलाई उल्टी उल्टी बुनी है, इसलिए कहीं उल्टा सीधा नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ फिनिशिंग से, ये यहाँ से फिनिशिंग पता लग जाती है। तो ये राइट साइड है हमारा, बैक साइड पे और 2-3 बार अच्छा पक्का करती हूँ मैं इसको। और इसको हम यहाँ अटैच करेंगे यहाँ पर, थोड़ा सुंदर लगाने के लिए, ये देखिए इस पे हम देखिए दोस्तों मेरा फाइनल लुक बहुत ही सुंदर, बटरफ्लाई नहीं लगाते तो भी चलता, तो भी बहुत सुंदर था, पर इससे उसकी ब्यूटी और बढ़ गई। ये देखिए
साइड पिंक है। अभी दूसरा भी बनाते हैं दोस्तों। इसे 20 इंच बनाया है मैंने, 10 इंच पिंक से उल्टा ही उल्टा 15। बहुत बड़ा ये वर्धमान की बहुत मोटी थिकनेस बहुत है इसकी। ये वर्धमान की ऊन इस्तेमाल के लिए दोस्तों मैंने, बहुत थिक है बहुत मोटी है इसलिए कम फंदों में ही ये हो गया, 15 फंदे में ही इतनी मोटाई हो गई इसकी। देखिए अब इसको यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 20 इंच है, इसे हाफ करेंगे। ये हमारा राइट साइड है, जहाँ पर हमने ये जोड़ी है ऊन वहाँ रॉन्ग हो गया, बाकी ये उल्टा सीधा एक समान ही है। अब हम ये एडी साइज साइड है, ये बैक साइड, ये एडी का साइज साइड है। ये देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत है हमारा। इस पे भी एक बटरफ्लाई लगाएंगे हम, बहुत ही खूबसूरत। देखो दोस्तों इस साइड से क्रीम कलर है, इस साइड से पिंक है। अभी बटरफ्लाई मेकिंग करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मेरे शूज, ये बैक साइड, ये फ्रंट साइड, ये एडी साइज साइड है, ये एडी की जगह है, ये नीचे है, ये फ्रंट है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर दोस्तों, ये सुंदर दोस्तों। देखिए शूज हमारे बहुत ही सुंदर। हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वे भी बनाएं और बहुत तेज ठंड से बच सकें। थैंक यू।